It's like Brahma, Vishnu, Mahesh, Trimurti, yeah. But it's one God. One God. And what do you call the God? Sangyang Vidhi. Oh, now I can see the... कि अंदर जाना अलाउड नहीं है जो हिंदू बालीनीज होंगे. मैंने कहा मैं भी हिंदू, तो बोले कि नहीं आपको बालीनीज होना पड़ेगा प्रॉपर. तो मैंने कहा मैं भी तो ये लूंगी पहनी. बोले कि नहीं जो सर पे बांधा वो पहनना पड़ेगा. देखिए एंट्रेंस पे गणेश जी की फोटो है, मतलब मूर्ति है. ऑल द हाउसेस दे हैव अ टेंपल इन द हाउस. ओके थैंक यू. तेरी मैं कैसे. हाँ जी सत श्री अकाल जी. वेलकम टू द पंजाबी वंडर्स यूट्यूब चैनल. आज हम पहुंच गए उबुद बाली इंडोनेशिया में. आपको दिखाएंगे फेमस अट्रैक्शंस जो भी हैं बाली की इस वीडियो में. प्लस एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडोनेशिया है वो दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट हिंदू नेशन है आफ्टर इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश. पूरे इंडोनेशिया में तकरीबन 1% हिंदू हैं, लेकिन बाली में 86% हिंदू हैं. तो आपको लोगों के घर में लेके जाएंगे, बिकॉज हर घर में बहुत ही बड़ा मंदिर होता है और बहुत सुंदर घर है और बहुत वेलकमिंग लोग हैं. प्लस बात करेंगे कि यहाँ पे हिंदुज्म आया कैसे, कब आया था और फिर क्या हुआ, कम कैसे हो गया, सब बात करेंगे इस वीडियो में. स्टे ट्यून्ड. हाँ जी, तो यार शुरू करते हैं इस टेंपल से. इसका नाम है पूरा तीर्था टेंपल. ये देख रहे हैं पार्किंग में इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे, काफ़ी मशहूर है. पूरा तीर्था का नाम है, पूरा मतलब होली प्योर और तीर्था मतलब वाटर, तो होली वाटर. यहाँ पे आके लोग अपने पाप धोते हैं. तो चलिए चलते हैं. इसकी एंट्रेंस फीस है 50,000 इंडोनेशियन, अपने 100 रुपये बनते हैं. इधर ही है. हेलो, हाउ मच इज द टिकट? 150 तो 50,000 की टिकट है. दिस इज द एंट्रेंस. थैंक यू. स्वागत है आपका बाली के सबसे मशहूर टेंपल में. तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको ये पहनना पड़ता है, मतलब ऐसे लूंगी सी होती है और जैसे अपने गुरुद्वारा में रखा होता है बाहर सर ढकने के लिए कपड़ा, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे है काउंटर सा. तो इसके कोई पैसे नहीं देने होते, आप जाके उठाइए और पहन लीजिए और फिर जाइए अंदर. तो लो जी लूंगी पहन ली हमने, लेकिन यहाँ पे जूते पहनना अलाउड है अंदर, थोड़ा सा वियर्ड है, जूते पहन के ही जाते हैं अंदर. तो मैंने बड़ी स्कीम्स है ना ऐसा रखा है हिसाब किताब की मेरी जेब एक्सेसिबल हो, तो जेब भी एक्सेसिबल है और धोती भी होगी अपनी. किधर जाना है अब, इतनी भीड़ लग नहीं रही आज, मेरे ख्याल से इधर ही है होली वाटर जो है. अरे ये क्या हो रहा है. अच्छा ये लाइन लगी है अंदर देखो नहाने के लिए. पीरियड्स में लड़कियां नहीं जा सकती अंदर, और अंदर पानी में ले जाना कैमरा, बाहर ले सकते हैं. चलो हम यहाँ से बना लेते हैं. ये देखिए ये सब ने हरे कपड़े पहन के जाते हैं अंदर, तो ज़रूरी नहीं है शायद. हाँ ये लाइन लगी है देखो. तो ये देखिए लाइन यहाँ से आती है, इधर जाना है, फिर पहले यहाँ पे नहाओ, फिर वहाँ नहाओ, फिर वहाँ नहाओ, तो सारे अपने पाप धो लो. यहाँ पे तालाब भी है, सरोवर भी है बाहर. यहाँ पे हिंदुज्म आया था 1st century में. तो जो ट्रेडर्स थे इंडिया से, मोस्टली साउथ इंडिया से, यहाँ से यहाँ पे आते थे, उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया. लेकिन फिर बाद में इस्लाम इंट्रोड्यूस हो गया, तो फिर काफी लोगों ने इस्लाम अपना लिया. तो इसलिए इंडोनेशिया पूरे में थोड़ा सा कम हो गया परसेंटेज, थोड़ा सा क्या मतलब 1% ही रह गया है. लेकिन बाली में 85% है अभी भी. और ये एक ऑफिशियल रिलीजन है, 6 रिलीजन है ऑफिशियल इंडोनेशिया के, उसमें से एक हिंदुज़म भी है. यहाँ पे मोस्टली ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों भगवानों की पूजा होती है. बाकी उन्हें भगवान गणेश के मतलब मूर्ति तो हर घर के मतलब हर घर के एंट्रेंस पे होती है. आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, मैंने कल देखा था. इसमें देखिए वहाँ से नीचे से पानी आ रहा है, दिख रहा है आपको, देखिए मिट्टी में. तो मेरे ख्याल से नेचुरल स्प्रिंग है ये भी. बाकी यार यहाँ के मंदिर अपने मंदिरों से काफ़ी अलग है. यहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर है बुद्धिज़्म और हिंदुज़म का, मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वैसे लग, जैसे भूटान में जैसे थे वैसे वैसे लग रहे हैं. तो काफ़ी मतलब मिक्स है. मेरे को ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिंदुज़म होते हैं, तो कुछ मैंने गलत बोल दिया तो मतलब
भूल चुक माफ। तो मेरे ख्याल से इतना ही था कॉम्प्लेक्स। दो चीज़ मेरे को अलग लगी, एक तो ये चीज़ कि भाई आप चप्पलें पहन के सारा मंदिर घूम ले रहे हो, और दूसरी चीज़ मेरे को ये लगी कि यार जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी अलग है इंडियन टेम्पल से, जो डोम्स हैं और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस है बुद्धिज़्म से। तो जैसे आप कभी भूटान गए हो तो वहाँ पे जैसे जैसे टेम्पल्स हैं वैसे हैं, काफ़ी सिमिलर। एग्जिट पे यार काफ़ी बड़ा बाज़ार है, काफ़ी बड़ी मार्केट है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। पाँच मिनट हो गए चलते हुए इसमें, बट यहाँ मैंने देखा था मतलब मुझे मुश्किल से दो लोगों ने तंग किया होगा, ले लो वो ले लो, चिल हैं लोग, ज़्यादा नहीं पूछते। ये देखो उन्हें बोला ही नहीं कि ले लो कुछ भी, या मेरी शक्ल पे लिखा है कि कुछ लेगा नहीं या मेरा कैमरा ऑन है इसलिए। तो यार पुलिस ने पकड़ लिया मेरे को। सो पुलिस वेयर हैव यू ब्रॉट मी? पुलिस बाली बाली पुलिस His police, right? Yeah. FBI. FBI? Yes. Oh shit. And you local police? No FBI. No. Ah, FBI. Okay. तो अभी यहाँ पे हम coffee tasting के लिए आए हैं। Where are you from? India. India. Yeah. You also cook chicken? Yeah. Okay. तो बंदा खड़ा था वहाँ पे पुलिस वाला, तो कह रहा है कि यहाँ जाके थोड़ी tasting wasting करके आ कॉफ़ी वगैरह चॉकलेट वगैरह की। मैंने कहा ओके। तो देखो एवोकाडो जिंजर जिनसेंग हॉट चॉकलेट जिंजर टी लेमन ग्रास टी, इधर पता नहीं और पांच छह सैंपल लिख रखे हैं। तो सही लग रही है मेरे को, तो अभी कुछ ना कुछ तो ले लूँगा यार, अभी इतने सारे सैंपल पीऊँगा तो कुछ ना कुछ तो लेना बनता है, बाकी थोड़ी देर चिल करते हैं यहीं पर। तो यार अभी जो ये कॉफ़ी प्लांटेशन है उसमें आया था मैं, तो मेरे साथ है वायान। इन्होंने बताया कि जो भी पहला लड़का होता है फैमिली में, द फर्स्ट बॉय इन द फैमिली इज कॉल्ड वायान इन एवरी हाउस, इन एवरी हाउस इन द लवर्स केस। ओके ओके, सो वायान इट मस्ट बी वेरी कॉमन नेम। या कॉमन, लाइक एवरी फैमिली वुड हैव वन वायान। या लाइक अ वेरी कॉमन इन यू नो इन द लवर्स केस इन बाली। ओके ओके, तो फिर मैं बात कर रहा था भाई साहब से कि इन्होंने बोला कि यार मैं अभी हिंदू, क्योंकि यहाँ पे बाली में बताया आपको मैंने 80% लोग हिंदू हैं, तो ही इज ऑल्सो हिंदू। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं। तो जैसे हमारे होता है कि काउ इज अ होली एनिमल, राइट? एंड हियर आल्सो यू टोल्ड मी दैट इन द जंगल इफ देयर इज लाइक फ्री काउ दैट इज होली, बट इफ यू गेट इट इन द फार्म। या सम नॉर्मली एंड व्हेन वी हैव लाइक अ जंगल एंड आल्सो नियर द टेंपल देयर इज अ दैट्स होली ऑफ होली लाइक होली, बट ओनली इन अ स्पेशल प्लेस, नॉट इन एवरी प्लेस। ओके, नॉर्मल। तो इन्होंने बताया कि बोले कि इन माय विलेज दिस इज द केस, तो लाइक ही वाज सेइंग दैट इट्स नॉट, यू डोंट नो अबाउट ऑल बाली, नॉट ऑल बाली, इट्स अबाउट दिस एरिया। तो एक तो चीज ये कि जो डाइटरी हैबिट्स हैं हमारे, होता है कि हिंदुइज्म में नॉन वेजिटेरियन होता ही नहीं कोई भी। इन्होंने बताया कि हमारे गांव में बहुत ही कम होंगे जो वेजिटेरियन होंगे, सब कोई फिश एंड चिकन सब लोग खाते हैं। लाइक या इट्स वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज़ आई हैव टू टॉक इन हिंदी एंड टू यू आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश। सो यहां पे मछली और चिकन सब लोग ही खा लेते हैं, कुछ लोग बीफ भी खा लेते हैं, तो थोड़े से ये मुझे फर्क लगे। क्या करते हैं, इनकी डाइट में मिल्क है ही नहीं, तो अगर लाइक इनके फार्म में भी गाय है तो उसको दूध, उसका दूध नहीं निकालते हैं, और अगर आपको दूध चाहिए तो यू जस्ट बाय इट फ्रॉम द सुपरमार्केट। सो बिकॉज देयर इज लाइक जो डाइट बहुत अलग है, यहाँ पे चावल ही है तीनों टाइम, यू ईट राइस थ्री टाइम्स, या सो राइस ही है, कोई गेहूं नहीं है, मक्की बेचते हैं लेकिन कोई रोटी नहीं बनाते उसकी, तो वो अलग है। फिर दूध नहीं है इनकी डाइट में, सो या लाइक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन फूड। या या डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। या okay, by the way, not like a tradition. Yeah, and thanks for, what's the name of the place if somebody has to come? Sukabali, it's called Sukabali. Or the temple name is Tirthampul. Jo Tirthampul, jo holy water temple hai, uske bilkul saath mein hi hai. Sukabali agro tourism. Aur yahan pe ye inhone mujhe sari coffee wagaira taste karayi, bahut sari main khatam hi nahi kar paya thi, coffee thi kafi sahi interesting hai, main isme se shayad ye ek aadhi lunga। एंड काफी अच्छी जगह है, यहाँ पे आइए जरूर, काफी सही बंदे हैं, मतलब बात करके काफी मजा आया। थैंक यू, तेरी मैं कसी सामा शुक्रिया। तो भाई ये ले ली मैंने एक चाय, महंगी है बड़ी, 750 रुपए की है 100 ग्राम, बट चलो ठीक है।
हाँ जी गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह उठ गए, 6 बजे हैं अभी सुबह के। तो ये स्कूटर ले लिया हमने, 400 रुपये में मिली है एक दिन के, होंडा। तो अभी चलते हैं फटाफट एक राइस टेरेस देख के आते हैं, क्योंकि जल्दी उठेंगे तो शायद भीड़ कम मिलेगी। बाकी देखते हैं, खुल जा। लो जी भाई पहुंच गए। एक्चुअली यहाँ पे रास्ते में मुझे बहुत सारी दुकानें दिखी ऐसी वाली, जिसपे लिखा है कि ट्रैकिंग की रास्ता, यहाँ पे लिखा है एंट्रेंस। भाई जगह तो काफी मजेदार है। चलो 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 फटाफट फटाफट, अभी कोई भी नहीं है देखो यहाँ पे। अच्छा यही बना हुआ था रास्ते में, मुझे लगा रकून है, रकून नहीं, ये तो नेवला लग रहा है, जैसे नेवले होते हैं वो लग रहे हैं मेरे को। और भी इदा बढ़िया। चलो भैया अगे चलो जा रहा भी, बंद किया पिंजरे च। तो मेरे ख्याल से ना यार दुकानों वाला काम यहाँ पे आता है, जहाँ पे स्विंग पींग कहने जिन पंजाबी चापा, तो जहाँ पे पींग आ गई, झूला आ गया, वहाँ पैसे देने पड़ते होंगे। बट ये बड़ा सही मुझे दिया आइडिया वांटेड आने की, सुबह सुबह ना 6 बजे तो पहुँच गए हम, कुछ भी बंद ही, ये दुकान नहीं बंद पड़ी है, लोग तो क्या ही होंगे। नाइस, लो भी करा लो फोटो इसमें बैठ के, हैं बिना पैसे के। आ झूला जहाँ भी लग गया वा, इस पै जाओ। ये सही लग रहा, एक होर झूला, यही सब है इतने। बाकी यार है कुछ नहीं, चावल ही है, झोना ही लगे बस। अगर हमारे पंजाब में भी थोड़ी बन जाए टेरेसिस, हमारे तो उतना फ्लैट फ्लैट खेत होते हैं, थोड़ी सी टेरेस फार्मिंग है यहाँ पे, इट लुक्स बेटर। और फिर इंस्टाग्राम थोड़े से रंग भर के, और वाओ कितना सुंदर है, पर एक्चुअली काफ़ी सुंदर है यार ये, मतलब क्योंकि कोई यहाँ पे है नहीं लोग, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी देखना, अभी 8 बजते ही ना यहाँ पे आ जाएंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि मतलब दिस इज़ वन ऑफ द हॉट स्पॉट्स। तागलांग ऐसा कुछ नाम है इसका, तागलांगला नहीं तग जो भी है मतलब। तो ये देखो भाई, जब हम आए थे तब सिर्फ हमारा स्कूटर था, अभी देखो बड़ी मुश्किल मैंने इसको हटाया, नहीं तो मेरा स्कूटर फंस गया था। तो जल्दी आइए सुबह और मज़े लीजिए और निकल जाइए 8 बजे तक। तो अभी ड्राइव करते करते ऐसे कोई था रास्ता सुनसान सा, तो मुझे ये मंदिर दिखा, तो इधर आ गए, यहाँ पे देखते हैं अंदर जाके कुछ हमें मिलता है खजाना कि नहीं। कोई है तो है नहीं यहाँ पे, दो स्कूटर खड़े थे लेकिन कोई बंदा दिख नहीं रहा, पता नहीं यार, ये गेट तो लॉक्ड है, बट वाइब पूरी है, फील पूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अरे नहीं लॉक नहीं है, खुला ही है, खोल के जाएं क्या अंदर, मन तो कर रहा है लेकिन सही सही बात नहीं होगी ये। यार अभी घूमते हुए मैं इस गांव से मैं पहुंच गया हूँ, और यहाँ पे मतलब हर तरफ देखो तो ऐसे मंदिर मंदिर से ही लग रहे हैं, पता नहीं मंदिर है क्या है, बट जिधर भी देखो यही दिखता है आपको, शायद घर ही है ये लोगों को। काफी मस्त गांव है, उठते साइड हो जा, तो नीचे आके मानेगा पैर ना। मेरे ख्याल से घर ही है ये लोगों के, इतने मंदिर तो नहीं हो सकते। अब व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज स्विचे माडे माडे माडे। तो माडे ये बोल रहे हैं घर ही है सबके, जैसे ये भी घर ही है, और बाद में दिखाता हूँ, पहले मैंने इनसे परमिशन ली है कि मैं घर दिखा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला दिखा सकते हो। ये देखिए एंट्रेंस पे गणेश जी की फोटो है, मतलब मूर्ति है। गणेशा, या गणेशा, आई एम अ हिंदू टू, हिंदू ओके फ्रॉम इंडिया, इंडिया यस ओके।
So this is a temple? Yes. Okay, so my head. Ah, okay. Every house has a temple. Okay, it's okay. It's okay. Hello. Good morning. Good morning. You speak English? A little. Ah, yeah. So all the houses, they have a temple in the house. Yeah. Okay. Temple. So like this is a temple. Here. Ah. Yeah. Thank you. Yeah. One family, one temple. Very beautiful. Yeah, thank you. Okay, तो उन्होंने बताया कि एक फैमिली का एक मंदिर होता है. This is a temple. No. This is a house. Home. Yeah, house. Ah, okay. New. Ah, it's a new one. Okay. This. New color. New color. You do yourself. Yes. Oh. Okay. One more color. Okay, very nice. Every family has one. Yes. One. Yeah. One family. Okay. Family. So, it's a joint family. Like, how many people in one family? Yeah, and here one family, and my temple big. Big. Village. Uh huh. Okay. Yeah, okay. No. In this house, how many people? Four. My husband. Uh huh. And my father. Ah, okay. Yeah. Okay. You say how you say thank you? Terima kasih. Terima kasih. Yeah. Terima kasih. Thank you. Thank you. तो यार बड़े ही अच्छे लोग हैं, मतलब बड़े ही प्यार से उन्होंने मुझे बिठाया अंदर, बातें करी. मैंने पूरी रिकॉर्ड तो नहीं करी, लेकिन इन्होंने बताया कि हर घर के अंदर एक टेंपल होता है, तो हर फैमिली का एक अपना टेंपल है. तो जैसे ये जो बाहर है ये इनका टेंपल है, अंदर घर है. और जैसे ये भी देखिए, मतलब यहाँ पे लॉर्ड गणेशा, विष्णु, शिवा और ब्रह्मा, इन सबको मानते हैं मंदिरों में. तो अब यार इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी पहले बनाने से. तो ये भाई बोल रहे हैं कि चलो मेरा पड़ोसी है, बना लो फोटो वीडियो जो लेनी है. तो काफ़ी सुंदर है यार लॉर्ड गणेश का जो बना हुआ है स्टैचू, वेरी नाइस. थैंक यू. तेरी माँ कैसे? सेम वन फैमिली. हाँ, ओके. One wow. Temple. Wow. Okay, does that's the temple? Yes. Mm. The same. My hair. Okay. Hello. I see Lord Ganesha and I. Yeah. Very beautiful. Yeah. Can I see your temple? Yeah. This crown. Yes. Okay, your house he built. Yes. The same. This. Crown. This also. तो इनके घरों में सब में ये रहता है कि फूल, पंछी. दिस इज ऑल्सो योर क्रॉप. ओह, वेरी गुड. मतलब यहाँ पे मूर्तियां नहीं है, मेरे को वहां पे बोला आंटी तो नहीं बोलूंगा, चलो दीदी ने, कि मूर्तियां नहीं रखते. उन्होंने बताया कि यहाँ पे शिवा, विष्णु और ब्रह्मा, इनको पूछते हैं तो. लेकिन मूर्तियां नहीं है, पता नहीं क्या सीन है, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में. ये इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते हैं. योर हाउस वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. ठीक है जी, चलते हैं जी. गणेश जी बाद में मिलेंगे. यार है तो काफी दूर, लेकिन राइड बड़ी ही सुंदर है, मजा आया. सड़कें अच्छी हैं, मौसम अच्छा है, बस स्कूटर भी अच्छा होगा तो मजा आएगा. तो यार यही है माउंट बातूर. यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं ऐसे, और बैठ के आप वहाँ से थोड़े से नज़ारे ले सकते हो. फालतू के महंगे हैं, बट नज़ारा ठीक है.
ये मेरे को रास्ते में दिखे स्टैचू, शायद पांडव के ही हैं, पांच पांडव, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, उधर भी कुछ है, जाके देखते हैं। यार बड़ा ही सजा रखा है, पता नहीं मंदिर है कोई पैलेस है, पता नहीं घर ही ना हो किसी का, पता नहीं, बाकी सुंदर बहुत ज्यादा है। Pay attention to the drums. यार अभी हम जा रहे हैं एक और टेंपल, और ये है एक और वोल्केनो, काफ़ी शानदार। तो यार एक पंगा हो गया, टेंपल तो पहुंच गया लेकिन अभी 6 बज गए और 6 बजे टेंपल बंद हो जाता है। यहाँ पार्किंग है बहुत बड़ी सी, और सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि अब यार वो वोल्केनो दिख ही नहीं रहा। तो अपना जो 1.5 घंटा हम गाड़ी चला के आए हैं वो व्यर्थ व्यर्थ लग रहा है मुझे। यार रास्ता तो बेचारा नीचे, एक मुझे यहाँ से क्यों भेजा इसने। तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स के बाद फाइनली पहुंच गए हैं। और ये तो बहुत ही बड़ा है, मुझे लग नहीं रहा कि इसमें एंट्री मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो टाइम इतना है नहीं अपने पास इतना। मैं वहाँ पे खड़ा था, अच्छा मैं तो वहाँ पे था। अरे कितना घूम के आना पड़ा, 10-15 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो गए। चलो देखते हैं क्या सीन है। तो भाई इसका टिकट है 90,000, मतलब तकरीबन 500 रुपये लगा लो आप अपने। सरोंग आया है साथ में, एक घर ले जाने के लिए है, और साथ में गाइड भी दिया गया है। मैंने कहा भाई गाइड नहीं चाहिए, बोले लगेगा ही लगेगा गाइड। तो चलिए देखते हैं ये टेंपल भी। दिस माउंटेन नो दैट्स टू मच। तो चलिए भाई अंदर जाके देखते हैं, पता नहीं कितनी सीढ़ियां हैं। ये मेरी धोती ना खुल जाए रास्ते में, पैर फंस दी पई है। हाउ मेनी स्टेप्स? 50. And whose temple is this? Which god? In this temple, according to religion, we believe only one god. That uh-huh. is one. We call it Sangyang Widi. Ah, okay. The supreme god. So, The Sangyang Widi has manifestation like Trimurti. Trimurti, yeah, from. Okay, so you believe that the Trimurti is one. One is god. So no, so like it's like Brahma, Vishnu, Mahesh, Trimurti, yeah. But it's one god. One god. And what do you call the god? Sangyang Widi. Sangyang Widi. Widi. Okay. So in all the temples, I only see Ganesha statue. Oh, yeah. I don't see Vishnu, Brahma, Mahesh. I don't see statues. Why? Trishrine. Trishakti. Okay. So Trimurti yeah. is here. But unka bhi matlab ye bolte hain ki unko naam de rakha hai ki matlab supreme god ek hi hai. तो देखिए यहाँ पे भी वो जो तीन स्टैचू हैं, या त्रिमूर्ति, सो रेड इज ब्रह्मा, येलो इज व्हाइट एंड येलो शिवा, एंड दिस इज विष्णु, ब्लैक वन इज विष्णु, बट देन आई कैन नॉट सी लाइक फेस लाइक अ गॉड, नो ओके। नाउ वी कैन सी द यार बहुत सही टाइम था ये आने का, बहुत सही है यार, बहुत सही व्यू है, वर्थ है। तो यार देखिए जैसे हमने बात करी कि जो डिफरेंसेस हैं, जैसे अभी भी मेरे को उन्होंने बोला कि अंदर जाना अलाउड नहीं है, बोले सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों को जाना अलाउड है क्योंकि जो हिंदू बालनीज होंगे। मैंने कहा मैं भी हिंदू, तो बोले कि नहीं आपको बालनीज होना पड़ेगा प्रॉपर। तो मैंने कहा मैं भी तो ये लूंगी पहनी, बोले कि नहीं जो सर पे बांधा वो पहनना पड़ेगा। तो बोले कि जो प्रेयर करने आते हैं अंदर, जो ऑफरिंग्स लेके आते हैं, मैंने कहा मैं तो अपना मन लेके आया हूँ ऑफरिंग के तौर पे, लेकिन बोले नहीं अलाउड है अंदर। ऑफरिंग इन बाली कॉल्ड साजियन, साजियन सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, व्हाट डिड यू सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस योर ईगो? नो, सैक्रिफाइस वन बास्केट वेयर आपको बनाना पुडिंग फ्लावर्स, ओके इज इनसेन आल्सो, ओके यू वांट अ पिक्चर प्लीज, गुड। Wow, यार, कितना सुंदर है यार ये।
So, why is this temple made so big? It was made by the king, like because it was... the mother temple of Bali. This is the? The mother temple. Mother temple. Yes, in Bali. How many temples in Bali? In the Bali, more than 20, in Bali more than about 200 family. 200 temple, I mean, in Bali. 200 temples. Yeah. But I, in Saki, the mother temple of Bali, the most important. This is the mother temple, exactly. Yaar. Literally, matlab, this is the mother temple. Mera ye miss hone wala tha. Chalo, shukr hai. We have two statues in Bali called Dwarapala. Dwarapala, yeah. Dwarapala is like Hindi, like gatekeepers. Yeah. Because at Hindu Bali, we come India with food. Wow. तो वैसे तो ये टेंपल रहता है खुला 10 बजे तक, मुझे रिसेप्शन में बताया गया कि ये खुला है 10 बजे तक, लेकिन लोकल्स के लिए खुला है। तो अंदर ये भी प्रेयर चल भी आपको सुनाई दे रहा होगा म्यूजिक, लेकिन हमारे लिए नहीं है। तो यार ये कुछ चीज़ें मैं पसंद नहीं आती मेरे को कि हम भेदभाव क्यों करते हैं, कि कई टेम्पल्स में लिखा होता है कि सिर्फ हिंदू अलाउड है, यहाँ तो मतलब मैं हिंदू ही हूँ फिर भी नहीं अलाउड हूँ मैं अंदर। सो ठीक है, जो है रूल्स आर रूल्स।